आहिल, आपके लिए ये शर्ट। अच्छा, आपने ये पहन ली? ये भी अच्छी लग रही है। ये आप कल इन्हें क्या हो गया अचानक? हाँ, प्रॉपर्टी पेपर्स को साइन करने को लेकर परेशान होंगे। बात ही ऐसी है। नाश्ता बनाती हूँ इनके लिए। और वैसे भी बड़ी अम्मी कहती है, शौहर के दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है। ऐसा नाश्ता बनाऊंगी ना, मूड एकदम ठीक हो जाएगा। अरे ठीक है बिटिया, तुम कैसी हो? मैं एकदम बढ़िया। अच्छा ऐसा कीजिए, 1 किलो बढ़िया बूंदी के लड्डू पैक कर दीजिए, थोड़ा डिस्काउंट मार के ना। करेक्ट। अच्छा बिटिया, ये तुम पिछले 3 मंगलवार से कहाँ थी? थोड़ा चल रही थी, बिजी चल रही थी थोड़ा। अरे बिटिया, तुम तो कहती थी कि जब तुम 10 साल की थी ना, तब से तुम दुनिया भूल सकती हो, पर हर मंगलवार को गणपति बप्पा को बूंदी के लड्डू को प्रसाद चढ़ाना नहीं भूलती हो, और छुट्टी भी तभी करती हो जब तुम्हारी तबीयत खराब हो। कहीं तुम्हारी तबीयत तो नहीं खराब थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बस ये लो बिटिया, हो गया। और पैसे खाते में लिख लेना। बेटी एक बात कहूं, बहुत कम लोगों में इतनी हिम्मत और शक्ति होती है जो ऐसे इंसान का हाथ थाम कर अपनी जिंदगी का सफर शुरू करे जिसे दुनिया पूरी तरह से सक्षम नहीं मानती। पंडित जी, ये मेरी नहीं प्यार की शक्ति है। जब आप किसी को दिल से चाहते हो तो उसकी छोटी बड़ी कमियां नहीं नजर आती। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और इन पर पूरा भरोसा भी है। पंडित जी, मैं इसके ऊपर अपनी जिंदगी से ज्यादा भरोसा करता हूँ। ये मुझे चाहे जहां ले जाए, मैं इसके साथ पूरे यकीन के साथ चलता रहूंगा। लो जी, इंतजार खत्म हो गया आपका। आ गई सुनहरी लड्डू लेके, सारे के सारे आपके। हैप्पी? जानती हूं कि आप नाराज हैं, लेकिन पप्पा मैं भी क्या करूं। लाइफ में कभी सुनहरी को इतनी कंफ्यूजन नहीं हुई जितनी आजकल चल रही है। और अभी जो कुछ मैं बाहर देख के आई हूं ना, उसके बाद से दिमाग की बैंड बट गई। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कर क्या रही हूँ। लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, मैंने कभी नहीं सोचा था। सिंपल सी लाइफ थी यार, चोरी करती थी, ऐश करती थी, पैसे उड़ाती थी। आजकल क्या हो रहा है? मतलब वो सिचुएशन होती है ना, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, कहीं मैं जाऊं मेरा नुकसान। सी, आज तक मुझे किसी के लिए भी ऐसा फील नहीं हुआ जैसे फिल्मी रिहान जब हंसता है मैं भी मुस्कुराने लगती हूँ। और जब कभी उसे परेशान देखती हूँ मैं भी उदास हो जाती हूँ। पापा, जब वो पास आने लगता है ना, ये दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। कैन यू बिलीव दैट? और अगर कहीं उसने मुझे हाथ लगा दिया ना, मुझे ऐसा लगता है मेरा हार्ट फेल हो जाए। सोचो, आपकी सुनहरी। लेकिन अब कंफ्यूजन ये चल रही है कि
जो कुछ मैं कर रही हूँ वो ठीक है। मेरा मतलब है रेहान एक बहुत अच्छा इंसान है और मैं भी उतनी बुरी नहीं हूँ, लेकिन मैं रेहान जैसी नहीं हूँ। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे बता दूँ कि ना बताऊँ। पापा सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि मैं रेहान को खोना नहीं चाहती। वो मेथी के पराठे बना दूँ? नहीं, ऑमलेट ही बना देती। आई ऑमलेट तो ऑलमोस्ट रोज खाते हैं। और क्या बनाऊँ, कुछ नजर भी नहीं आ रहा है। और ये लतीफ कभी वक्त पे मिलता नहीं है मुझे। लतीफ क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? रो नहीं तो क्या करूं, मेरी खूबसूरती पे दाग जो लग गया है ये देखो। ये दिखाओ, ये किसने किया? किसने किया ये छोड़ो, पर जिसने भी किया ना अल्लाह उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाह उन्हें कीड़े पड़ेंगे, कीड़े जन्नत में भी कभी जगह नहीं मिलेगी। लतीफ लतीफ देखो ऐसा नहीं कहते, अपने मुंह से हम किसी के लिए बुरा क्यों बोले। हाँ वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, तुम अब भी खूबसूरत लग रहे हो। वो तो लगूंगी ही, चांद में दाग लग जाए ना फिर भी वो खूबसूरत ही दिखता है। मैं तो हुई छुई मुई। अच्छा चलो अभी खुश हो गई ना, अब जल्दी से नाश्ता बनाने में मेरी मदद करो। पता नहीं आहिल का मूड इतना खराब क्यों है, मैंने सोचा कि अच्छा सा नाश्ता बना देती हूँ, खुश हो जाएंगे। अच्छा पर कल रात को उनका मूड तो एकदम ठीक था, वो बेगम साहिबा से बात भी कर रहे थे। क्या कब देखा? जब तुम दोनों बाहर से आए फिर अपने कमरे में गए, उसके बाद आहिल बाबा फिर आए थे अपने कमरे से बाहर और तभी बेगम साहिबा से बात की उन्होंने। पर अब ये नाश्ता बनाने का क्या फायदा, आहिल बाबा तो अभी अभी बाहर चले गए। क्या बात कर रहे हो, वो ऐसे कैसे बाहर जा सकते? ऐसा ही है वो। वो हमेशा से ऐसे ही है, एक पल में किसी को अपने दिल से लगाता है फिर उसको दिल से बाहर निकाल कर फेंक देता है। तुम्हें क्या लगता है सना, आहिल को तुमसे मोहब्बत हो गई है? अब वो वही करेगा जो तुम कहोगे? सना मैं उसे बचपन से जानते हैं, उसे सिर्फ एक रात के लिए मोहब्बत होती। हाँ ज्यादा से ज्यादा दो रातों के लिए, बस बिस्तर में आने तक की देरी, उसके बाद कुछ नहीं। तुम साहिबा ये आप कह रही हैं अपने बेटे के बारे में? एक बात कहें, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया करते, हमसे उलझने की कोशिश मत करो, खास तौर पर आहिल के मामले में। वो अपनी माँ का बिगड़ा हुआ बेटा है, बेचारा वही करेगा जो हम कहेंगे, और तुम जैसी दो कौड़ी की नौकरानी उसका दिल नहीं बदल सकती, समझे? आपने कल रात आहिल से क्या बात की थी? हम अपने बेटे से क्या कहते हैं क्या करते हैं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए सना। तुम बस इतना समझ लो, आहिल हमारा बेटा है, हम जो कहेंगे वो वही करेगा, हमारी बात के खिलाफ वो कभी नहीं जाएगा। तुम यहाँ जो करने आई हो ना बस वही करो, उसके बाद तुम्हारा जहां दिल करे जहां मन करे ना वहां दफा हो जाना, समझे? चल अब इन पेपर्स पे दस्तखत करो। करो
मैं नहीं करूंगी बेगम साहब। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारी बात से इनकार कर रही हो? दस्तखत करो। बेगम साहब, आप जब तक आहिल मेरे साथ नहीं होंगे मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगी। हमने कहा ना दस्तखत करो तो मतलब करो। बेगम साहब मेरा हाथ छोड़िए। हमने कहा दस्तखत करो। मेरे को दर्द हो रहा है। एक बार में सुनाई नहीं देता है? कहा ना दस्तखत करो। तो पापा प्लीज, बहुत कंफ्यूजन हो चुकी है, अब आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। पापा बहुत सारे लोग खड़े हैं, भीड़ इकट्ठी हो रही है, मुझे धक्के मार के निकाल देंगे। ये भी बताइए पापा, मैं क्या करूं? मुझे कुछ बता दो सच्चाई। बहुत रिस्क है पापा, लेकिन आप मेरे साथ हैं, मुझे किसी चीज का डर नहीं है। पापा ठीक है, मैं बताती हूँ रेहान को, क्योंकि हर रिश्ते की बुनियाद होती है ट्रस्ट। पता मुझे सब कुछ है, लेकिन डर बहुत लगता है। अगर सब कुछ ठीक ठाक हो गया ना, जो पिछले 2-3 मंगलवार नहीं आई ना, उनके लड्डू भी लेके आऊंगी। एक मंगलवार का व्रत रखूंगी मैं। खाऊं बिल्ली जिसको खाने का इतना शौक है, व्रत रखूंगी सिर्फ आपके लिए। बस सब कुछ ठीक ठाक से हो जाए। इस मोटे बुद्धे को तो मैं बताती हूँ। चोर 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 चोर, अरे चोर चोर चोर, अरे अरे चोर। पहुंच गई बड़े पापा के मंदिर। अब लड्डू भी ले ही लेती हूँ। यही वो बप्पा का मंदिर है जहाँ के बूंदी के लड्डू का प्रसाद मशहूर है। पर अल्लाह, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि इस सब का शहर से क्या लेना देना है। कभी लड्डू, कभी बाल, कभी कुछ, अब दुकान भी। भैया ऑटो, अच्छा किया तुमने मुझे इस लड़की का पता बता दिया। ये लो और जाओ यहां से। पक्की थी अपनी यारी, सॉलिड था खेल, बट आज खत्म हो जाएगा बेटी तेरा खेल। आज मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगी रेहान के साथ। थैंक यू पापा।
तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमसे जीत सकती हो? बेगम तंदीर से जीत पाओगी? आगे पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक, समझी? सिर्फ और सिर्फ हमारा। एक बात रख लो, आहिल ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता है और तुम भी ये बात जितनी जल्दी जान जाओ ना इतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए, समझी? आप अपने बेटे के लिए ऐसा कैसे कह सकती हैं? हमें सिखाने की कोशिश मत कर कि हमें क्या करना चाहिए और क्या कहना चाहिए। इतनी जल्दी में क्यों है आप? ये सब दौलत, ये प्रॉपर्टी आप ही की तो है। सिर्फ इतना कह रही हूँ ना कि कुछ वक्त इंतजार कीजिए, आहिल को आने दीजिए। हमारी छोड़ो सनम, अपनी बताओ, तुमने क्यों नहीं इंतजार किया था? तब तो पैसों के लिए राजी हो गई थी निकाह करने को, तब क्यों नहीं इंतजार किया अपनी बड़ी अम्मी के मरने का? अल्लाह बेगम साहिबा, इसलिए हम जो कहते हैं वही कर, क्योंकि उस वक्त तुम्हें पैसों की जरूरत थी, तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी, है ना? लेकिन एक बात याद रखना सर, तुम्हारी बड़ी अम्मी भले ही शिमला में हो लेकिन उनकी जिंदगी हमारे हाथों में। यहां तुमने हमें धोखा दिया और वहां जो हमने तुम्हारी बड़ी अम्मी के लिए इतने इंतजाम करे हैं ना, वो हम सब बंद कर देंगे, फिर देखते हैं कितने दिन तक तुम्हारी बड़ी अम्मी की सांसें चलती। जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, दस्तखत करो, वरना जिंदगी में पहली बार मुझे आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आपको पैसे के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। परसों से उनके दिल के अंदर क्या दर्द है कि आपने कभी जानने की कोशिश की? कि दिल की बात समझने के लिए आपने कभी कोई कदम नहीं उठाया और अब भी आप वही कर रही हैं। अम्मी है आप उनकी, और आहिल, आहिल आपसे सिर्फ मोहब्बत नहीं करते, आपकी इबादत करते हैं बेगम साहिबा। तुम्हें क्या लगता है सन, ये सब कुछ हम अपने लिए कर रहे हैं, इस समय हमारा मतलब है? नहीं सनम, ये सब कुछ हम अपने बेटे आहिल के लिए कर रहे हैं। और क्या क्या तुम जानती भी हो कि आहिल ने अपने बचपन में क्या क्या किया? इधर सनम, इसे मेरा बोझ तो हल्का हुआ है पर एक सच के साथ मुझे अभी भी जीना होगा। कैसा सच? कि मैंने उनका कत्ल किया, मैंने मेरे अब्बू का कत्ल किया सर। हमने उसके ऊपर अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी ये सोचकर ताकि वो खुली हवा में सांस ले सके, लेकिन ये बात तुम नहीं समझोगे क्योंकि उस वक्त तुम वहां पर नहीं थी जब वो रोता हुआ हमारे पास आया था और उसने हमें वो गन दिखाई थी और हमसे कहा था कि उसने अपने अब्बू का कत्ल कर दिया। जानती हो उस वक्त तो हमारे होश ही उड़ गए थे। इसमें मुझे नहीं बताई ये सब कैसे हुआ, वो गन मेरे हाथ में थी और जब अम्मी ने आकर मुझे ये बताया कि वो गन से मैंने अपने अब्बू का कत्ल किया, तो बात सुनकर मेरे तो ये तो होश ही उड़ गए थे। या अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? आहिल और बेगम साहिबा एक ही हादसे के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों की कहानी एक दूसरे से मिल क्यों नहीं रही? एक ही रात की दो कहानियां, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आहिल मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, तो
क्या बेगम साहिबा झूठ बोल रही हैं? लेकिन क्यों? ये राज क्या है? इससे तो पर्दा उठाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने अभी इन पेपर्स पे साइन कर दिए तो बेगम साहिबा मुझे इस घर से बाहर निकाल देंगी और मुझे कभी नहीं पता चल पाएगा कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आहिल आज तक परेशान है। मैं ये दस्तखत नहीं कर सकती।